मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। दूसरा, इस अभियान को कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनबाड़ी यहां पर है, कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे हैं जब तमाम अच्छे अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनबाड़ी ये लोग गांव गांव और मोहल्ला मोहल्ला जाकर के एक एक परिवार का स्क्रीनिंग कर रही थी और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही थी। अगर इन निगरानी समितियों के माध्यम से कार्य नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है। और मुझे तो इस दौरान गांव गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया, देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उस समय कैसे इस समस्या का समाधान हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वयं फील्ड में निकलना चाहिए। और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था, कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जरूर मिल जाती थी अपने को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था। और उस कार्य को ध्यान में रखकर के सरकार ने निश्चय किया कि हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। हम उन लोगों के साथ बैठ करके कार्य योजना उसका विभाग तैयार कर रहा है, लेकिन साथ साथ मैंने विभाग को ये भी कहा है कि उनका जो पिछला बकाया है उसका भी तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर ले, जिससे किसी को सामने भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वहां बाद में सरकार के सामने या विभाग के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज तो ये समय है कि जब उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है, और सरकार उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए करेगी। आज के इस अवसर पर फिर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि सितंबर माह